और आगे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। सातवें दौर की बैठक के बाद भारत चीन का साझा बयान, कहा तनाव कम करने के लिए जारी रहेगी बातचीत। भारत ने कहा पुरानी पोजीशन पर वापस आए पीएलए। चीन सीमा पर तैनात जवानों की स्थिति और तैयारियों को परखने के लिए संसदीय कमेटी जाएगी ले। अधीर रंजन की अगुवाई में पीएसी को मिली अनुमति, सैनिकों से मिलकर लेंगे हालात की जानकारी। हाथरस कांड की पीएफआई एंगल से जांच करेगी ईडी। मथुरा से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की मिली मंजूरी, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के गोंडा में दिल दहला देने वाली वारदात, सोते वक्त तीन बहनों पर हुआ एसिड से अटैक, बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलसी, एक आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल पर घमासान, राज्यपाल ने उद्धव के हिंदूवादी होने पर उठाए सवाल, सीएम बोले आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तनिष्क के नए विज्ञापन पर फूटा लोगों का गुस्सा, लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए लगाया आरोप, कंगना रनौत ने कहा क्रिएटिव, आतंकियों से बचकर रहे हिंदू। अगले साल तक भारतीय अर्थव्यवस्था में आ सकती है उछाल, 2021 के लिए आईएमएफ का अनुमान 8.8% होगी जीडीपी। ताइवान नेशनल डे के बाद चीन से बड़ी तनातनी, अमेरिका ताइवान को देगा 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यूएस ताइवान डिफेंस डील का चीन ने क्या विरोध। एफएटीएफ रिव्यू ग्रुप की बैठक में पाकिस्तान पर फैसला, आईसीआरजी की रिपोर्ट पर तय करेगा पाक का भविष्य। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।